हेलो दोस्तों, कल हम टाटा स्टील के बारे में डिस्कस किए थे और आज हम टाटा मोटर के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों, क्योंकि टाटा मोटर्स की हालत जो है धीरे धीरे ख़राब होती जा रही है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। परफेक्ट व्यू ऑफ मार्केट और इस यूट्यूब चैनल में आपको एक दिन पहले ही बता दिया जाता है कि कौन सा स्टॉक का प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होने वाला है, जिससे आप अपना प्रॉफिट तो बुक कर ही सकते हो, अगर लॉस है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो। तो ये रहा आपके सामने टाटा मोटर्स दोस्तों। जिन्होंने भी ख़रीदारी किया है टाटा मोटर में, मैं उनको बोलूँगा थोड़ा सावधान हो जाइए ऐसे स्टॉक से, क्योंकि दोस्तों जिसका टाइम ही अच्छा ना चलता हो दोस्तों, उसका स्टॉक में बहुत ज़्यादा गिरावट होने का संभावना है। ठीक है, देखो भगवान ने इंसान के साथ एक बहुत बड़ा जो है खेल खेला है। क्या है दोस्तों, सब कुछ दिया इंसान को, लेकिन दोस्तों टाइम, वक्त जो है अपने हिसाब से चलाते हैं वो। जिसका टाइम ख़राब चलता है ना, वो फिर कभी आगे बढ़ने में मुश्किल हो जाता है, उसको मैं इतना बोल सकता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों उसी तरह मैं आपको साफ साफ आपको बोल सकता हूँ कि जो टाटा मोटर है दोस्तों, टाटा मोटर का प्राइस डिक्रीज होने वाला है। और मेरे ख्याल से आपको ऐसे स्टॉक में पोजीशन बनाना ही नहीं चाहिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आपको खरीदना नहीं खरीदना, मेरे ख्याल से आपको ऐसे स्टॉक में पोजीशन नहीं बनाना चाहिए जिसमें आपको रिस्क ज़्यादा है और रिवॉर्ड कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो मेरे ख्याल से आप बिल्कुल सेल करके निकल सकते हो अगर इसका प्राइस क्योंकि डिक्रीज होने वाला है, तो आप सेल करके भी प्रॉफिट कमा सकते हो। जैसे आपको करना है कर सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो टाटा मोटर्स के बारे में मैं आपको कुछ बता देता हूं दोस्तों। अभी जितने भी ऑटो सेक्टर है सारे जगह में आपको मंदी ही चल रही है, और आपको पता होना चाहिए कि जितने भी दोस्तों ऑटो सेक्टर हैं, चाहे ले लीजिए टीवीएस मोटर, चाहे ले लीजिए हीरो मोटर, सबकी हालत ख़राब है और उसका प्राइस डिक्रीज पे डिक्रीज़ होते जा रहा है। और एक बहुत बड़ा कारण ये भी है टाटा मोटर्स के लिए, क्योंकि दोस्तों चाइना का अर्थव्यवस्था ख़राब है और टाटा मोटर्स का ज़्यादा से ज़्यादा रेवेन्यू उधर साइड से ही आता था। अगर उधर ही अर्थव्यवस्था ख़राब हो गई तो इकोनॉमिक में थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आएगा और टाटा मोटर को दोस्तों फिर से लास्ट टाइम ऐसा गिरा देगा। और उसी के वजह से दोस्तों ये जो बिज़नेस है इसका क्वालिटी ख़राब हो चुका है। वॉरेन बफेट जी ने साफ साफ बताया है कि बिज़नेस वो खरीदो जिसमें क्वालिटी हो, जिसमें क्वांटिटी हो वो मत खरीदो। अब दोस्तों ये जो टाटा मोटर है वो क्वांटिटी वाला बन चुका है। जैसे कि यस बैंक 400 के आसपास था तो क्वालिटी वाला बिज़नेस था, जैसे ही दोस्तों 250 रुपीज़ या 70 रुपीज़ में आने लगा यस बैंक, तो सब लोग हज़ारों के क्वांटिटी में खरीदना स्टार्ट कर दिए हैं, 5,000, 10,000। कोई ऐसे भी लोग हैं जो 20-20 हज़ार तक क्वांटिटी खरीद के रखते हैं। तो क्या उन्होंने बिजनेस का क्वालिटी नहीं, क्वांटिटी खरीदा? उसी तरह दोस्तों अब यहाँ पर देखिए साफ साफ आपको बताया जा रहा है, जो क्वालिटी है वो एवरेज बन चुका है, गुड क्वालिटी का बिजनेस नहीं है दोस्तों। इसमें तो थोड़ा रिस्क है, इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि यहाँ से निकल जाओ। ठीक है, और यहाँ पर देख लीजिए टाटा मोटर्स का प्राइस आज के डेट में 149.85 150 के आसपास चल रहा है। ठीक है, 150 के आसपास चलने के बावजूद भी ये स्टॉक बताया जा रहा है कि वेरी एक्सपेंसिव है। मतलब ये 200 के रेंज में होता तो बता सकते थे आप कितना महंगा होता, बहुत ज्यादा हो जाता। ठीक है, तो वही स्टॉक को हमें खरीदना चाहिए जिसका फार वैल्यू, मतलब कम से कम तो अंडर वैल्यूड में मिले। ठीक है, और ये तो दोस्तों अंडर वैल्यूड हो के भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, तो मैं बोलूंगा थोड़ा सा आपको प्रोटेक्शन रखने की जरूरत है, ऐसे स्टॉक को थोड़ा अवॉइड कीजिए। और ये रहा आपके सामने रिटर्न का डेटा दोस्तों। टाटा मोटर ने 10 साल से 1 भी % का प्रॉफिट नहीं दिया, 10 साल से 1 भी % का प्रॉफिट नहीं दिया। बाय चांस दोस्तों इसने जो है 6 मंथ के अंदर 34% का रिटर्न दिया है। बाकी यहाँ पर देख सकते हैं बैंक जो है 10 साल में पैसा डबल कर देती है, मतलब 100%, और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों ओनली 13%, 10-15% मिला। तो आपके सामने डेटा है, आपको अगर एनालिसिस करना है तो करके देख सकते हो, क्योंकि मेरा हिसाब से जितना हो सकता था मैंने आपको बताया। अगर अब भी आपको लगता है कि टाटा मोटर में आपका पोजीशन बनाना चाहिए तो भाई आपकी मर्जी है, कोई किसी को तो मना नहीं कर सकता, चाहे वो कुछ भी कर ले। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो दोस्तों 5 ईयर में आपका 100% पैसा खा ही गया था, 73%। ठीक है, 2 साल में यहाँ पर देख लीजिए 50%, फिर 3 महीने में 9%, 1 महीने में 19%। मैं बोलूँगा भाई ऐसे स्टॉक से थोड़ा सावधान रहिए। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके इंक्रीज़ कीजिएगा, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं हम आने वाले नेक्स्ट वीडियो में।